सुल्तानपुर जिला प्रशासन ने आईएएस अनुपम मिश्रा समेत परिवार को आइसोलेट कर दिया। परिवार के 6 सदस्यों को घर में 13 अप्रैल तक आइसोलेट किया है। मलेशिया सिंगापुर से लौटे आईएएस और पत्नी कविता मिश्रा भी आइसोलेट है। 20 मार्च से सुल्तानपुर में है आईएएस दंपत्ति। दलनगर मोहल्ले के रहने वाले हैं अनुपम मिश्रा। विदेश से केरल लौटने के बाद क्वारंटाइन छोड़कर यूपी लौटने का आरोप है। कम से कम पढ़े लिखे लोगों से ये अपील और ये उम्मीद दोनों ही की जाती है कि आप कम से कम एक मिसाल पेश करें, लेकिन यहाँ पर तो जो अधिकारी खुद एक मिसाल पेश करने वाले होना चाहिए, वहां पर वही लोगों के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। सुल्तानपुर जिला प्रशासन ने आईएएस अनुपम मिश्रा समेत उनके परिवार को आइसोलेट कर दिया है। परिवार के 6 सदस्यों को घर में 13 अप्रैल तक के लिए क्वारंटाइन किया गया है। मलेशिया सिंगापुर से लौटे आईएएस और पत्नी कविता मिश्रा भी आइसोलेटेड है। 20 मार्च से सुल्तानपुर में है आईएएस दंपत्ति। निराला नगर मोहल्ले के रहने वाले हैं अनुपम मिश्रा। शासन ने आईएएस ऑफिसर के मामले में रिपोर्ट तलब भी की है। विदेश से केरल लौटने के बाद क्वारंटाइन छोड़कर उत्तर प्रदेश लौटने के इन पर आरोप है, जिसके चलते प्रशासन ने इनकी रिपोर्ट तलब की है। परिवार के 6 मेंबर्स भी घर में 13 अप्रैल तक क्वारंटाइन किए गए हैं। मलेशिया सिंगापुर से लौटे आईएएस और पत्नी कविता मिश्रा भी आइसोलेट की गई हैं। 20 मार्च से सुल्तानपुर में ही है ये आईएएस दंपत्ति। निरालनगर मोहल्ले के रहने वाले हैं अनुपम मिश्रा। इनके ऊपर आरोप ये हैं कि ये अभी हाल ही में विदेश से घूमकर आए और उसके बाद केरला से क्वारंटाइन छोड़कर ये यूपी लौटे हैं। संतोष पांडे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। संतोष, क्या जानकारी है, क्योंकि ये जो आईएएस अनुपम मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं ये बहुत गंभीर है, क्योंकि जिनको मिसाल पेश करनी चाहिए अगर वही लोगों के लिए खतरा पैदा करेंगे तो ऐसे अधिकारियों को तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये देश द्रोही के तौर पर काम हुआ। मैम, जब पूरी जानकारी ली गई इसकी जी और हम पहुंचे अनुपम मिश्रा के घर पे, तो हमें जानकारी ये मिली कि ये 20 दिन से यहाँ आए हुए थे और 20 दिन पहले से यहाँ पर ये है जी। और आज किसी ने इनको बताया कि ये लोग मलेशिया सिंगापुर गए थे, तो उसके अनुसार जो है इनको जो है डॉक्टरों की टीम ने क्वारंटाइन किया है। जबकि इस बाबत जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ एहतियात के तौर पे इनको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है और इनको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। जबकि सुल्तानपुर ये करीब 15-20 दिन से यहाँ पर थे। संतोष, एक बात और जानना चाह रहे हैं आपसे, इन पर ये आरोप लग रहे हैं कि केरला से क्वारंटाइन छोड़कर ये यूपी में आए हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? इन आरोपों की पुष्टि पूरी तरह से नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है। डॉक्टरों ने बताया है कि अभी इन पर जो है वो संक्रमण की जो जांच होती है उसकी पुष्टि नहीं की गई है। अभी ये बिल्कुल सेफ है और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है वो चीजें अफवाह है, अफवाहों का बाजार गर्म है और इस तरह से अफवाह फैलाई दी गई है। और बाकी स्वास्थ्य इनका बिल्कुल ठीक है, सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है। इनकी वाकई अभी तलब की गई है रिपोर्ट? जी मैम, जो सरकारी प्रोसीजर्स हैं, जो इनकी गाइडलाइन है इनके सरकार की, उसके अनुरूप जो है इनसे रिपोर्ट मांगी गई है सुल्तानपुर टीम से, उन्होंने दिया है। लेकिन सीएमओ का साफ तौर पर कहना यह है कि सिर्फ एहतियातन इनको क्वारंटाइन किया गया है और कुछ नहीं, अभी पुष्टि नहीं की गई है कि संक्रमित है या नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।